चित्तौड़ के पास एक बहुत ही फेमस मंदिर है सांवरिया स्टेट का मंदिर, वहाँ आज विजिट करने आए हैं। जिनको आप हरे पत्तों देख पा रहे हैं, ये प्राकृतिक स्थल है सांवरिया स्टेट मंदिर का, यानी कि यहाँ से ही ओरिजिनल मूर्ति निकली थी। सबसे पहली मूर्ति निकली थी वो यहीं से निकली थी, और उसके बाद वहाँ अंदर 8 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद एक मंदिर बनाया गया है सांवरिया स्टेट का। बहुत भव्य मंदिर है, बहुत सुंदर है, लेकिन वो बाद में बनाया गया, यहाँ से हुआ था। तो यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं भगवान के दर्शन। सांवरिया सेठ मंदिर मेवाड़ का कृष्ण धाम है, जहाँ लोग भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं और बिजनेस में प्रॉफिट होने पर यहाँ पर करोड़ों का चढ़ावा चढ़ा कर जाते हैं। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन और चमत्कारी है कि जब भी लोग किसी तरह का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या कुछ भी धंधा अगर खोलना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं सांवरिया सेठ के मंदिर और यहाँ पर मन्नत मांगते हैं, भगवान को बनाते हैं अपने बिजनेस का पार्टनर, और बिजनेस में प्रॉफिट होने पर लोग चढ़ाकर जाते हैं यहाँ पर करोड़ों का चढ़ावा। तो अगर आप भी किसी तरह का बिजनेस स्टार्टअप करने वाले हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। इस जगह का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर का है चित्तौड़गढ़ से, और ये ग्राम मंडपिया में स्थित है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब आगे जा रहे हैं जहाँ पर सांवरिया सेठ का जो भव्य मंदिर है, जो आज की तारीख में बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है, वहाँ जाने वाले हैं। बहुत अच्छी जगह है। प्राकृतिक स्थल से सांवरिया सेठ मंदिर का डिस्टेंस 8 किलोमीटर का है, तो इस डिस्टेंस को पार करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये पूरा मार्केट है यहाँ का। अगर एक एडवाइस मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि अगर आप कभी चित्तौड़ घूमने आए, आपका एक दिन का स्टे करने का प्लान है, तो अगर आप चाहते हैं तो सांवरिया सेठ आए, यहाँ दर्शन करें और यहाँ पर ही रुक जाएं। आपको किफायती और सस्ते तौर पर जो रूम है वो मिल सकता है यहाँ पर। आपको जो खाने की सुविधा है वो बहुत अच्छी तरह मिल जाएंगी। सस्ता मतलब सस्ता, सुंदर, टिकाऊ आपका काम हो जाएगा। अगर आप कोई बड़े शहर में रुकते हैं तो थोड़ा बहुत खर्चे का रेट जो है वो ज़्यादा हो सकता है। यहाँ आएंगे तो आपको कम खर्चे में काम चल जाएगा। अब हम प्रवेश कर चुके हैं मुख्य मंदिर के अंदर। सांवरिया सेठ का ये मंदिर है, बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल मंदिर है। बहुत ही सुंदर सुंदर खंभे हैं, बहुत ही अच्छा रास्ता है, और इतनी अच्छी एक आर्किटेक्चर्स के साथ इसे बनाया गया है कि सच में अच्छा लग रहा है। यहाँ पर यहाँ से नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है, फिर भी हमें काफ़ी लंबा डिस्टेंस पार करके आगे की ओर जाना होगा। देखिए बहुत बड़ी गैलरी है, आप यहाँ अभी इतना सामने चलना है, फिर इतना हमको चलना है, और फिर हम पहुँचेंगे सांवरिया सेठ के मंदिर। ये है हमारे सामने सांवरिया सेठ का मंदिर, यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा है। रात के टाइम इस मंदिर का जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा 360 व्यू देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ काफ़ी सारी गैलरीज बनाई गई हैं, और ये देखिए बहुत सुंदर सा नज़ारा है। वैसे अभी थोड़ा सा थंडर स्टॉर्म चल रहा है, मौसम थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन जो नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा है। देखिए इस मंदिर परिसर में काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं जो हमको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे हम मंदिर के पास जाते जा रहे हैं श्रद्धालुओं की गिनती बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर गैलरी में बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, वो भी बहुत अच्छी कलाकारी दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन इन पेंटिंग्स में हमें दिखाई देता है। अब यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं मंदिर परिसर के अंदर। ये एक्चुअल में मुख्य परिसर है जहाँ पर भगवान विराजमान है। मंदिर के अंदर स्वर्ण का वर्क हुआ है, जो गोल्डन टाइप का कलर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, अंदर जाके देखते हैं। तो अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है काफ़ी अच्छा है। देखिए गोल्डन कलर का जो आपको वर्क यहाँ पर दिख रहा होगा काफ़ी अच्छा लग रहा है, हर चीज़ आपको यहाँ पर गोल्डन कलर की नज़र आएगी। काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है जो हमें मंदिर परिसर के अंदर दिखाई देता है। तो अब यहाँ से आप भगवान के दर्शन अच्छे से कर पाएंगे, तो चलिए साथ में मिलकर बोलते हैं सांवरिया सेठ की जय। तो अगर आपको भी कभी चित्तौड़ आना हो तो सांवरिया सेठ के मंदिर ज़रूर आइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।